राधे राधे दोस्तों, दिवाली के दिन हमने दहलीज पूजन कैसे किया आज का वीडियो वैसे ही दिखाऊंगी मैं आपको। क्या करें कैसे करें दहलीज पूजन दिवाली के दिन किया जाता है। दिवाली के दिन दहलीज पूजन करने से लक्ष्मी माता का आगमन हो जाता है हम सभी के घर में, इसलिए दहलीज पूजन सभी को करना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। पूरा वीडियो आज दहलीज पूजन पर है। स्वागत है आप सभी का लज्जू जी क्राफ्ट एंड फन बाय सारिका में, होलिस्टिक क्रिएटिव एंड फन चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है दहलीज पूजन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह सुबह किया जाता है, नहा धोने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुबह सुबह दहलीज पूजन किया जाता है दिवाली के दिन। दहलीज पूजन के दिन आपको उसकी अपने दहलीज को पूजना होता है। उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, आपको गंगा जल चाहिए होता है, कुछ चावल चाहिए होते हैं, घी का दिया, रोली, पुष्प, एक धूप बत्ती और माचिस। थोड़ी सी मिठास के लिए आप पतासा ले सकते हैं या मिठाई भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक कुमकुम या रोली की प्लेट लेनी होती है, वो गीला करके आप वो ले सकते हैं। अन्यथा आप स्टिकर भी आप आजकल आते हैं, पर वैसे मेरी मान्यता है, मेरा मानना यही है कि आपको अपने हाथों से ही लक्ष्मी माता के चरण बनाने चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे आप बनाना चाहिए आपको दहलीज पूजन। सबसे पहले दहलीज को साफ कर लें, साफ कपड़े से आप बिल्कुल अपनी दहलीज को साफ कर लें, पानी छिड़क कर। वहाँ पे पोछा वगैरह तो आपने पहले ही लगा लिया होता है, लेकिन फिर भी पूजन से पहले दहलीज अच्छे से साफ कर लें आप और बिल्कुल साफ कपड़े से उसको पोंछें। फिर जो आपने कुमकुम की एक प्लेट ऐसे बनाई है तो अपने दोनों हाथ उसमें डुबा लीजिए। ऐसे आप मुट्ठी बनाकर बनाएंगे तो जो आप पाँव छापेंगे वो बिल्कुल पाँव के रूप में आएंगे। अब ये प्रक्रिया पूरी आप देखते जाइए कैसे है। इसके बाद रंगोली बना लीजिए, अब देख लीजिए कैसे बनेंगी। फिर हम माता के चरणों के बीच में एक स्वास्तिक बनाएंगे। ध्यान रखें स्वास्तिक कटा छटा ना बनाएं, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। फिर हम माता के चरण बनाने के बाद अपने दहलीज पर एक रंगोली बना लेंगे। तो आप रंगोली बना लीजिए उसी कुमकुम से, दहलीज के दोनों तरफ आप स्वास्तिक भी बना लीजिए। फिर हम अपने माता के चरणों की पूजा करेंगे, हम तिलक लगाएंगे माता के चरणों को, हम माता के चरणों को चावल अर्पित करेंगे, फिर हम थोड़ी सी चीनी अर्पित करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा पुष्प अर्पित करेंगे उनके चरणों को, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, घी का दीपक दिखाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में आगमन करें। ये हो जाती है दिन की पूजा विधि, ये सुबह सुबह जो हम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे को माता के चरण बनाने होते हैं, वो हम शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद करते हैं। जब हम रात को शाम को जो भी पूजन समय होता है पूजन कर लेते हैं लक्ष्मी पूजन, उसके बाद हम घर में लक्ष्मी माता के आगमन करते हुए आते हुए अंदर घर के अंदर हम चरण बनाते हैं। वो प्रतीकात्मक होते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर के अंदर आ गई हैं। यही है आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको दहलीज पूजन की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कैसे करते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ वीडियो का अंत करते हैं। राधे राधे, राधे राधे।